डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था. व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स सेकंड एलिमेंट के सेट से यूनिक रिलेशन बना है. क्लियर? मीन फर्स्ट सेट कंप्लीट, एंटायर फर्स्ट सेट यूज होता है उसमें. क्लियर? अब देखेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये क्या होते हैं. मेन पार्ट यही है. यहां से एज एग्जाम्पल दे आर टू सेट्स. फर्स्ट तो डायग्राम से क्लियर कर दो. दे आर टू सेट्स ए एंड बी. ए दे आर फोर एलिमेंट ए बी सी डी एंड बी 1 2 3 4. वन इज रेट ए इज रिलेटेड टू वन. ए जो है उसकी इमेज जो है वो वन है और वन का प्री इमेज ए है. बी इज रिलेटेड टू टू. सी इज रिलेटेड टू थ्री एंड डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू थ्री. ये फंक्शन है. ऑल एलिमेंट फर्स्ट सेट एंटायर यूज हो रहा है ना. नाउ यूनिक रिलेशन है, वन वन रिलेशन है ना. सेकंड सेट पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है. सो डोमेन क्या होगा? एंड डोमेन होता है एंटायर फर्स्ट सेट. मीन सेट ए मीन ए बी सी डी एंटायर फर्स्ट सेट. कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा इसमें? एंटायर सेट बी, एंटायर सेकंड सेट कंप्लीट सेट बी 1 2 3 4. एंड रेंज, ये रेंज क्या है यहां पर? रेंज फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो है उनकी इमेजेस का सेट. सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस. इमेज ऑफ ए इज वन, इमेज ऑफ बी इज टू, इमेज ऑफ सी इज थ्री, इमेज डी इज ऑल्सो थ्री. सो सेट ऑफ इमेजेस मीन सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज आपको फर्स्ट सेट में आपको इसके अंदर शो हो रही है. क्लियर? सेट ऑफ इमेजेस मीन 1 2 3. क्लियर? डायग्राम से क्लियर है. व्हाट इज डोमेन? डोमेन एंटायर फर्स्ट सेट. कोडोमेन एंटायर सेकंड सेट. क्लियर? रिलेशन में तो क्या होता है? रिलेशन में डोमेन होता है जो आपके ऑर्डर पे बने हुए उनमें फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का सेट. क्लियर? नाउ इसमें डोमेन थोड़ा डिफरेंट होता है. एंटायर फर्स्ट सेट होता है. कोडोमेन एंटायर सेकंड सेट. एंड रेंज सेट ऑफ इमेजेज. 1 2 and 3 आर इमेजेज. सेट ऑफ 1 2 3. क्लियर? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां से आगे ये टॉपिक जो है यहां से इंपॉर्टेंट है. आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस गिवन होंगे उनमें हम फाइंड करेंगे डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ डोमेन. डोमेन की डेफिनेशन क्या है? नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज डोमेन? डेफिनेशन ऑफ डोमेन, डोमेन क्या है? द सेट ऑफ एक्स वैल्यूज फॉर विच वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एंड एज ए फाइनाइट वैल्यूज कॉल्ड इज डोमेन. मीन कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एज एग्जाम्पल y is equal to f of x is equal to 1 by x. ठीक है, x की वो वैल्यूज, ठीक है, जो इस फंक्शन में पुट करने पर फंक्शन क्या रहे? डिफाइन एंड हैज ए फाइनाइट वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो एक फाइनाइट हो. ठीक है, उन वैल्यूज का सेट जो है वो क्या होगा? डोमेन. फंक्शन गिवन हो देन उसमें डोमेन क्या होता है? मीन x को रिप्लेस करके आप क्या पुट कर सकते हो. क्लियर है? ये फ्रैक्शन है, ये फंक्शन जो है इसका रिजल्ट रियल नंबर आना चाहिए. मीन डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? मेथड देखिए. एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्ट है बिलोंग्स टू रियल नंबर. मीन ये एक रियल नंबर होना चाहिए. तो एक्स की कौन सी वैल्यूज, ठीक है, आप यहां पुट करें जिससे एफ ऑफ एक्स रियल नंबर को बिलोंग करें. एफ ऑफ एक्स मीन 1 by x. एफ ऑफ एक्स क्या? 1 by x. 1 by x बिलोंग्स टू रियल नंबर. 1 by x बिलोंग्स टू रियल नंबर. इफ फ्रैक्शन है देन फ्रैक्शन में क्लियर है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, फ्रैक्शन कभी भी आपका फंक्शन ऐसा हो जिसमें एक फ्रैक्शन गिवन है देन आप क्या करोगे? उसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. देन कुछ भी पुट करो रियल रिजल्ट मिलेंगे आपको. डिनोमिनेटर इट मीन एक्स क्या नहीं होना चाहिए? इज नॉट इक्वल टू जीरो. मीन फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर जीरो ना हो, अगर कुछ भी हो
रिजल्ट जो है वो रियल नंबर रहेगा। अब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आएंगे, डिफरेंट कंडीशंस आएंगी, तो अब आगे हम वही प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, फ्रैक्शन वाले हुए, अंडर रूट वाले हुए, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बस नॉर्मली इसमें ये डोमेन क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। मीन फंक्शन में एक्स की वो वैल्यूज, ठीक है, जिससे फंक्शन का रिजल्ट जो है वो क्या हो, एक फाइनाइट वैल्यू हो, मीन फंक्शन डिफाइंड हो, मीन फंक्शन रियल नंबर हो। कैसे फाइंड करते हैं, मेथड क्या होगा, एफ ऑफ एक्स रियल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स मीन वन बाय एक्स रियल कब होगा, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देन डोमेन क्या होगा, फिर आप डोमेन कैसे बताओगे, मीन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, अदर कुछ भी हो, मीन ऑल रियल नंबर में से क्या जीरो कट कर दो, रियल माइनस जीरो। मैंने ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया है, बिकॉज ओनली एक स्पेसिफिक वैल्यू, अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू को शो करना हो देन कर्ली ब्रैकेट में शो करो। ये सेट में हमने डिस्कस किया था ना, सेट में, देन ये कर्ली ब्रैकेट है, ये यूज करते हैं। डोमेन, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, मीन डोमेन क्या है, ऑल रियल, मीन एक्स को रिप्लेस करके आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, रिजल्ट रियल आएगा, बट जीरो नहीं पुट करें, मीन डोमेन क्या होगा, एक्स को रिप्लेस करके यहां आप क्या पुट करोगे, ठीक है, वो वैल्यू जो ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, मीन यहां पुट करने पर रिजल्ट जो है 1 बाय एक्स का रिजल्ट जो है वो क्या हो, एक फाइनाइट वैल्यू हो, रियल नंबर हो, ठीक है, उन वैल्यूज का सेट जो है वो डोमेन होता है। देन डोमेन इज इक्वल टू क्या है, बट जीरो नहीं पुटे, 1 बाय जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, अनडिफाइंड होगा फिर ये, सो ओनली जीरो कट कर दिया, मीन डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, एक्स रिप्लेस करके अदर कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, रिजल्ट जो है फंक्शन का रियल रहेगा, सो डोमेन आर माइनस जीरो। अब हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखेंगे, जिससे क्लियर हो कि डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं। मेन प्रैक्टिस वाला मैटर है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ सम रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन। आपका फंक्शन ऐसा, फंक्शन जो है ऐसा, वन बाय एक्सप्रेशन, जो भी आपकी ओके एक्सप्रेशन है, फंक्शन है, वो ऐसा हो, मीन एक फ्रैक्शन हो, देन क्या होगा, देन क्लियर है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना, फ्रैक्शन है, देन डिनोमिनेटर क्या, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है वो क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इससे जो रिजल्ट आता है वो इसका डोमेन होगा। एज एग्जाम्पल लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, फंक्शन वन बाय एक्स था, आपने पुट किया डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डोमेन है, मीन एक्स जीरो नहीं होगा, देन क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, ऑल रियल पुट कर दो, बस जीरो के अलावा कुछ भी, ये डोमेन था। मीन फंक्शन आपका ऐसा हो, वन बाय एक्सप्रेशन। सेकंड, फंक्शन आपका ये हो, अंडर रूट एक्सप्रेशन, अंडर रूट एक्सप्रेशन, देन क्या होगा, देन एक्सप्रेशन क्या, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन जीरो होना चाहिए। आपका एक्सप्रेशन अंडर रूट, हमें पता है अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ठीक है, क्लियर है, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, और आपको इसका रिजल्ट रियल लाना है, देन अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, मीन अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल देन जीरो। एज एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री, फाइंड डोमेन। मेथड क्या होता है, वैसे तो डायरेक्टली बता सकता हूँ, मेथड होता है एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स रियल आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स रियल कब होगा, व्हेन अंडर रूट एक्स माइनस थ्री रियल होगा, ये रियल रिजल्ट देगा, देन ये रियल होगा। अंडर रूट एक्स माइनस थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर कब, बिकॉज अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो क्या, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, मीन एक्स ग्रेटर और इक्वल देन क्या होना चाहिए, थ्री, एक्स ग्रेटर और इक्वल देन थ्री। देन डोमेन आप कैसे शो करोगे, डोमेन थ्री ग्रेटर और इक्वल देन थ्री, डोमेन इज इक्वल टू थ्री टू कहां तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते सेट में, सो इस साइड आप ओपन इंटरवल यूज करोगे, थ्री यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, ग्रेटर और इक्वल देन थ्री, थ्री इक्वल देन थ्री मीन थ्री इंक्लूड कर रहे हो आप।
डोमेन इज इक्वल टू 3 to infinite. ये तो मैंने वन वन एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, अभी प्रैक्टिस आगे बहुत ज्यादा करेंगे इसमें. सो ये कुछ फिक्स रूल्स हैं. अब देखिए आगे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इस पर. नाउ स्टूडेंट्स, सम फ्रैक्शंस आर गिवन, इन फ्रैक्शंस के हम डोमेन फाइंड करते हैं. फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x-3. मीन एक्स की वो वैल्यू जिससे फंक्शन जो है वो एक रियल रिजल्ट दे, ठीक है, उन वैल्यूज का सेट जो है वो डोमेन होगा. नाउ स्टार्ट करें. एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या होना चाहिए? रियल नंबर. एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या? एफ एक्स रियल होगा इफ 1/2x-3 बिलोंग्स टू रियल. 1/2x-3 रियल होगा. ये कब रियल होगा? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो ना हो बस, अदर कुछ भी हो फंक्शन रियल रहेगा. कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, बस डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ठीक है. इफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन 2x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, 2x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3/2, मीन x 3/2 नहीं होना चाहिए. देन डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2. ये स्पेसिफिक वैल्यू जो है 3/2 नहीं होनी चाहिए. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन डोमेन. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4/4x-3. नाउ एक्स की वो वैल्यू जिससे फंक्शन का रिजल्ट जो है वो रियल रहे, उनका सेट जो है वो क्या होगा? डोमेन. नाउ एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ 3x+4/4x-3 बिलोंग्स टू रियल. ये कब रियल होगा? इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मीन 4x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3/4. नाउ डोमेन क्या होगा? डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर माइनस 3/4, मीन 3/4 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करो यहां x को रिप्लेस करके, फंक्शन का रिजल्ट जो है वो रियल होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इसको ये जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जांपल और बोर्ड पर जो भी मैटर है आपको नोटबुक में राइट करना है, एंड एक नोट्स टाइप आपके पास मटेरियल होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²+6x+9/x²-5x+6. नाउ न्यूमेरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो, x-3, x-2. अब इसका डोमेन एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. एफ एक्स कब रियल होगा? इफ इसका रिजल्ट जो है क्या? x²+6x+9/x-3, x-2 बिलोंग्स टू रियल. अगर ये रियल होगा देन एफ एक्स रियल है, बिकॉज ये एफ ऑफ एक्स तो है ना. नाउ ये फ्रैक्शन रियल होगी इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर x-3, x-2 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2. x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 3. x-2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 2. नाउ डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, इसमें से कट कर दो क्या 2 and 3. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 ये जो टॉपिक है प्रैक्टिस में आपको एनसीईआरटी भी इंक्लूड होगा और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको राइट करवा रहा हूं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 we are given a function f of x is equal to x²+2x+1/x²-8x+12. Clear? Now, denominator जो है ना इसके factor करो, x-6, x-2. Clear? f of x
f of x belongs to real number. If x square plus 2x plus 1 by x minus 6, x minus 2 belongs to real number. ये real कब होगा? If denominator is not equal to 0, if denominator is not equal to 0, mean x is not equal to 6 and 2, mean domain क्या हुआ? Domain क्या होगा? Domain is equal to all real number minus two values, 2 and 6. ये practice question. फ्रैक्शन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं हमने देखा. नेक्स्ट वीडियो में अदर जो फंक्शन के फॉर्म होंगे उन पर भी प्रैक्टिस करेंगे.